हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में उसने मैंने सबसे पहले बेसिक में समझा दिया था आपको कि किस तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, पैरेलल पॉइंट होते हैं और कॉन्सिडेंट आपकी लाइन होती है, सारी लाइन्स हैं। आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड के इस तरीके से दिए हैं। उसने पूछा आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके बताएं कौन सी लाइन आपकी इंटरसेक्ट है, कौन सी लाइन पैरलर है, कौन सी आपकी कॉन्सिडेंट है। ठीक है, तो जब रेशियो आपको दिया है कि उसने इस रेशियो से सॉल्व करें, तो हम उसी रेशियो को सॉल्व करके बताएंगे ना इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है, ये रेशियो इसका, ये रेशियो इसका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसी रेशियो को लेकर के। ठीक है, ईजी है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं। देखो ये 5/7, ये माइनस अल्फ, ये एक्स और वाई वेरिएबल नहीं लेते, सिर्फ डिजिट लेते हैं, इनको लेना है आपको। ठीक है, जिस पे मैंने निशान लगाया है, तो आप इक्वल का साइन लगा के लिखेंगे 4 और 6। अब देखो 4 के आगे माइनस है ना, माइनस कंपलसरी आएगा बेटा, प्लस नहीं आता। अब ये 8 हो गया और ये -9 हो गया। अब आप ये बताओ क्या ये इक्वल है? नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक है, तो हम उस समय क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल का साइन। पहले ही नॉट इक्वल का साइन आ गया, जिसमें कि हमने बताया कि मैंने ग्राफ के अंदर आपका पहले वाले में नॉट इक्वल आएगा तो क्या लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, नॉट इक्वल ये भी है वैसे तो। ठीक है, पहले ही वाले कट हो गया तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, जिसका रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब इसका करेंगे, ये देखो 9/18, 3/6, 12/24। आप ये फॉर्मूला इसमें लिख भी सकते हैं, a1 a2 b1 b2, आप ये भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा इजी तरीके से बता रही हूँ अभी। 9 वन 9 कैंसिल कर देंगे इसे, तो आपका आंसर ये देखो इक्वल आ गया ना, ये भी और ये भी, 1/2 1/2 1/2 इक्वल है। तो इक्वल के लिए जब तीनों ही पार्ट्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, कॉन्सिडेंट लाइन होगी। उसने यही क्वेश्चन में पूछा है। कब? जब वो इक्वल होंगे। अब इसका लेते हैं, देखो इस वाई के आगे कुछ नहीं है ना, कोई बात नहीं, वन ले लेंगे लेकिन वाई नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, वेरिएबल नहीं लिखना, एक्स वाई कुछ नहीं लिखना, अल्फा इस तरीके से डिजिट लिखेंगे। अब ये देखिए, इसको इससे कैंसिल किया, 3 आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये है ही ऑलरेडी 3 1, और ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो आपका क्वेश्चन ये है ना, राइट। अब ये देखो ये इक्वल है ना, अगर ये इक्वल होते हैं फर्स्ट और सेकंड, ए और बी इक्वल है और सी नॉट इक्वल है, देखो सी नॉट इक्वल है ना, तो हम उस लाइन को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है, बस इतना ही शो करना है आपको। और शो करने के लिए सिर्फ इतना ही है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपका क्या है कि आपको बस ये बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं फिलहाल। इसका आपने क्लियर किया ना, ये क्लियर हो गया कि आपका अगर एक पॉइंट नॉट इक्वल होगा ए और बी का और सी का, तो इंटरसेक्टिंग लाइन आ गया। अगर तीनों इक्वल हुए तो आपका इक्वल के लिए कॉन्सिडेंट लाइन आ गया, और यदि आपका फर्स्ट तो इक्वल ए और बी लेकिन सी आपका नॉट इक्वल है, तो आप उस सी को नॉट इक्वल करने के लिए पैरेलल लाइन लिखेंगे। सिर्फ लाइन का पूछेगा, तो इस तरीके से आपको तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, आगे करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछते हैं वो। चलिए अब उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। थर्ड में आपके 5 पॉइंट हैं, लेकिन उस 5 पॉइंट्स में मैंने 3 पॉइंट्स आपको करवा रही हूँ जो सिमिलरली वैसे ही, और अदर्स पार्ट्स भी मैंने लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन जो है वो 5th पार्ट के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2nd के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सेम सेम है, बस करना क्या है इसके अंदर, वो कहता है यदि वो इंटरसेक्टिंग है, अगर ये आपका रेशियो उसमें शो होता है तो आप उसको क्या करेंगे, कॉन्सिडेंट लिखेंगे। यदि ये रेशियो से होता है तो आप पैरलर तो है, पर उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा यदि ये पैरलर है तो आप बताएं इनकॉन्सिडेंट है, और यदि आपका ये इस तरीके से आता है रेशियो ठीक, तो कॉन्सिडेंट है। कॉन्सिडेंट दो हालत में होते हैं, कब,
जब इंटरसेक्ट और कॉन्सिनाइंट होते हैं, राइट। कंडीशन आपकी ये होगी। तो उसने कहा जब कॉन्सिनेंट आ जाएंगे उसका ग्राफ बनाना है, लेकिन अदरवाइज अगर इनकॉन्सिनेंट होंगे तो उसका ग्राफ नहीं बनाना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कंडीशन क्या है, कॉन्सिनेंट में ग्राफ बनाएंगे, इनकॉन्सिनेंट में ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बनेगा ही नहीं इसमें। तो कॉन्सिनेंट के लिए आपको मैंने ये प्रोसेस पहले भी समझाया था, तो वही चीज़ है। रेशियो मैंने इसका 3/2 लिखा, 2/-3 लिखा और 5/2 लिखा। मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग है। तो पहले इसको सॉल्व करते, देखो 3/2, 2/3 क्या ये आपके इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल है ना। तो नॉट इक्वल के लिए जब आपका साइन नॉट इक्वल का आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे उसको, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है ना। तो जब कॉन्सिस्टेंट होगा तो आप उसका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ में आपको बहुत बार समझा चुके हो, ठीक है, कि आप एक बार एक्स को जीरो रख लेना, एक बार वाई को जीरो रख लेना, तो आपका ग्राफ क्लियर हो जाएगा, राइट। अब इसको करेंगे तो देखो कभी भी रेशियो के नीचे ऐसे अब ऑन में रेशियो होता है ना, जैसे 3/2 और 9 है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, हम इसको ऐसे करते हैं। ये मान लो 1 है तो हम इसको 1/9, जब ऊपर जाएगा ना तो 1/9 हो जाएगा। तो आंसर कुछ इस तरीके से है इसका, 1/6, राइट। अब ऐसे ही ये करेंगे, 5/3 है ये, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, मान लो ये भी 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ऊपर भी 1 है और नीचे क्या है, -6 है, राइट ना। अब ये 7/14 है, इसको यहीं कैंसिल कर लेंगे, तो आपका आंसर कितना आ रहा है इसमें, 1/2 आ रहा है। क्या ये रेशियो सेम है, इक्वल है, नॉट इक्वल, ठीक है। जब नॉट इक्वल है तो हम उसमें साइन लगा देंगे, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, तो आप नॉट इक्वल का साइन लगा करके फिर बता रहे हैं ये आपका कॉन्सिस्टेंट है, ठीक है, कॉन्सिस्टेंट है, तो इसमें भी आपका ग्राफ बनेगा। आपको ग्राफ इसमें बनाना है, ग्राफ की वैल्यू मैं सब कुछ समझा चुकी हूँ पहले। अब क्वेश्चन आपका ये है, आपने इसको कैंसिल किया, ये देखो कैंसिल करने पर आपका आंसर ये आएगा ना, और देखो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो आप इसमें लिखेंगे 1/2, 1/2, 1/2। अब आपके माइनस ऊपर शो होता है, सबका माइनस है ना, और वो इक्वल भी है, तो इक्वल के लिए आप क्या लिखेंगे, मैंने कहा जब इक्वल होगा तब भी आप ये लिखेंगे, कॉन्सिस्टेंट आपका आ गया, और फिर इसमें भी आपका ग्राफ बनेगा। वो यही कह रहा है कि आपका ग्राफ तब बनेगा जब वो कॉन्सिस्टेंट की पोजीशन में होगा, तीनों में ग्राफ बनेगा, अदरवाइज के टू पार्ट्स देख लेना, अगर वो इससे मैच हो रहे तो इनकॉन्सिस्टेंट होगा, राइट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।